बात करेंगे गुरु रंधावा की फिल्म कुछ खट्टा हो जाए, शाहिद कपूर की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया और ऋतिक रोशन की फाइटर, वही रवि तेजा की ईगल के अब तक के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। साथ ही साथ बात करने वाले हैं सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सनी देओल सर की फिल्म लाहौर 1947, वही जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन सभी फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है। सबसे पहले अगर बात करें रवि तेजा की फिल्म ईगल के बारे में, जिस फिल्म को सिनेमा घरों में आज हो चुके हैं 9 दिन, हिंदी और तेलुगु दो भाषाओं में रिलीज हुई ईगल फिल्म ने अब तक दुनिया भर से जो कमाई की है वो फिल्म के बजट के हिसाब से देखे जाए तो काफी कम है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ईगल फिल्म ने अब तक इंडिया नेट कलेक्शन 33 करोड़ 50 लाख रुपए का किया है, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 40 करोड़ रुपए का। वही दोस्तों फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से टोटल कमाई 7 करोड़ रुपए की है, यानी कि दोस्तों ईगल का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो हो चुका है 47 करोड़ रुपए का, जो कि फिल्म के बजट के हिसाब से देखे जाए तो ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो चुकी है। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें 2024 की पहली बॉलीवुड की बड़ी फिल्म फाइटर के बारे में, सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी रियल एक्शन ड्रामा फिल्म फाइटर, जिस फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ में दीपिका पादुकोण अनिल कपूर देखने को मिले थे। दोस्तों फिल्म का बजट जहां 250 करोड़ रुपए था और फिल्म को सिनेमा घरों में इस वक्त हो चुके हैं 24 दिन। बात करें फिल्म के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो ऋतिक रोशन की फाइटर फिल्म ने शुरुआती 3 हफ्तों में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 208 करोड़ 4 लाख रुपए का किया था। वही दोस्तों फिल्म ने अपने चौथे शुक्रवार 1 करोड़ 26 लाख रुपए की कमाई की और यह फिल्म आज यानी कि अपने 24वें दिन 1 करोड़ 65 लाख रुपए का इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है। इसी के साथ फाइटर फिल्म का शुरुआती 24 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन 210 करोड़ 95 लाख रुपए का हो चुका है, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 251 करोड़ 45 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, फिल्म ने इंडिया ग्रोस कलेक्शन के मामले में 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया। वही बात करें वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो फाइटर फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो हो चुका है 350 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, फिल्म दुनिया भर में 24 दिनों के अंदर 350 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। वही अब अगर बात करें पिछले हफ्ते रिलीज हुई बॉलीवुड की ही फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के बारे में, जिसका बजट था 75 करोड़ रुपए और फिल्म को सिनेमा घरों में आज हो चुके हैं 9 दिन। शाहिद कपूर कृति सेनन की इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से जबरदस्त सपोर्ट मिला, जिसके चलते ही फिल्म ने पहले हफ्ते में तो बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की, साथ ही साथ ये मूवी दूसरे वीकेंड में भी जबरदस्त कलेक्शन करती जा रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर इस फिल्म ने शुरुआती 7 दिन यानी कि पहले हफ्ते में इंडिया से नेट कलेक्शन 47 करोड़ 18 लाख रुपए का किया था। वही फिल्म ने अपने 8वें दिन यानी कि दूसरे शुक्रवार 2 करोड़ 57 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया। हालांकि आज सैटरडे होने की वजह से फिल्म के कलेक्शन में एक हल्की सी ग्रोथ आई है मॉर्निंग शोज में, वही आफ्टरनून इवनिंग और नाइट शोज की बुकिंग भी काफी सॉलिड रही। तो यहां पर तो तेरी बातों में ऐसा उलझा जी अपने 9वें दिन यानी कि दूसरे शनिवार इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है 3 करोड़ 50 लाख रुपए और इसी के साथ इस फिल्म का अब तक का इंडिया नेट कलेक्शन 53 करोड़ 25 लाख रुपए का हो चुका है, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 64 करोड़ 64 करोड़ रुपए। बता दो दोस्तों, फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से अब तक 32 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, यानी कि दोस्तों इस फिल्म का जो 9 दिनों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो हो चुका है 96 करोड़ यानी कि 96 करोड़ रुपए का। दोस्तों ये फिल्म कल यानी कि अपने 10वें दिन वर्ल्ड वाइड मार्केट में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर देगी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑलरेडी हिट का टैग हासिल कर चुकी है। अब अगर बात करें दोस्तों इस हफ्ते रिलीज हुई गुरु रंधावा की डेब्यू फिल्म कुछ खट्टा हो जाए के बारे में, 18 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म में गुरु रंधावा के साथ में हमें साई मांजरेकर, अनुपम खेर साहब, उनके अलावा ब्रह्मानंद सर भी देखने को मिले थे। बताना चाहूंगा दोस्तों, फिल्म को लेकर जो एक्साइटमेंट थी फैंस के बीच में वो काफी बढ़िया रही थी और फिल्म के जो रिव्यूज निकल कर आए वो भी पूरी तरह से पॉजिटिव रहे, जिसके चलते ही दोस्तों उम्मीदें लगाई जा रही थी कि ये फिल्म पहले दिन वर्ल्ड वाइड मार्केट में तगड़ी कमाई करेगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म का जो फर्स्ट डे कलेक्शन है वो इंडिया में तो कम रहा, लेकिन फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से पहले दिन काफी शानदार कमाई की, जिसके पीछे की वजह दोस्तों ये है कि गुरु रंधावा की जो फैन फॉलोइंग है ओवरसीज मार्केट में खास करके यूएसए और कैनेडा में काफी तगड़ी है, उसी वजह से फिल्म का कलेक्शन ओवरसीज मार्केट से पहले दिन काफी बढ़िया निकल के आया। हालांकि इंडिया में किसान आंदोलन चल रहा है, जिसके चलते गुरु रंधावा का जो मेन मार्केट है पंजाब वो पहले दिन यानी कि 16 तारीख को बंद था, जिसके चलते ही फिल्म के कलेक्शन
रन इंडिया में पहले दिन कम रहे, लेकिन दूसरे दिन फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी एक उछाल देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें इस फिल्म के दो दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ खट्टा हो जाए ने पहले दिन इंडिया कलेक्शन 1,10,00,000 रुपए का किया था, तो फर्स्ट डे का ओवरसीज कलेक्शन 1,50,00,000 रुपए रहा था। यानी कि फिल्म का फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 2,60,00,000 रुपए आया था। बात करें सेकंड डे के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि सेकंड डे यहां पर फिल्म को जो ऑक्यूपेंसी मिली है वो पहले दिन के मुकाबले 40% ज्यादा है। यानी कि ये फिल्म दूसरे दिन इंडिया कलेक्शन 2,00,00,000 का कर रही है। वही ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन लगभग 1,20,00,000 रुपए आ रहा है। यानी कि दोस्तों इस फिल्म का जो सेकंड डे का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो हो रहा है लगभग 3,20,00,000 रुपए। तो जहां पहले दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 2,60,00,000 रुपए और दूसरे दिन का 3,20,00,000 रुपए, यानी कि दो दिनों में इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो हो रहा है 5,80,00,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, फिल्म ने दो दिनों में तो डिसेंट कमाई कर ली है। अब कल है संडे, तो देखते हैं कि फिल्म को कल बॉक्स ऑफिस पर कितना बड़ा जंप देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जूनियर एनटीआर के अपकमिंग फिल्म देवरा के बारे में, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है कोटाला सिवा ने। और इस फिल्म में जूनियर एनटीआर के साथ में सैफ अली खान और जानवी कपूर हमें देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों आपको बता दें कि ट्रिपल आर के बाद ये एनटीआर की अगली फिल्म है, जिस फिल्म को लेकर इस वक्त पैन इंडिया मार्केट में अच्छी खासी हाइप बनी हुई है। लेकिन फिल्म के मेकर्स ने पिछले दिनों अनाउंस किया था कि ये फिल्म 5 अप्रैल को रिलीज होगी, लेकिन दोस्तों कल इस फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म की नई रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देवरा फिल्म अब रिलीज होगी 10 अक्टूबर को, जो कि एक तरह से काफी बढ़िया डेट है। अगर यह फिल्म 5 अप्रैल को रिलीज होती तो इसके कुछ दिनों बाद ही अक्षय कुमार की बड़े मियां छोटे मियां रिलीज हो जाती, जिसकी वजह से फिल्म का हिंदी कलेक्शन काफी कम रहता। लेकिन अब यह फिल्म जहां 10 अक्टूबर को रिलीज हो रही, तो उम्मीद कर सकते हैं कि यह मूवी रिलीज होते ही पहले दिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन मिनिमम 100 करोड़ का कर सकती है। और अगर फिल्म अच्छी हुई, लोगों को पसंद आई, तो शायद यह मूवी इंडियन सिनेमा की एक वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बन सकती है। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें हम सबके फेवरेट सनी पाजी की फिल्म लाहौर 1947 के बारे में, तो दोस्तों राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बन रही फिल्म लाहौर 1947, जिस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं आमिर खान, और इस फिल्म में आमिर खान का लगभग 30 मिनट का एक कैमियो भी होगा। अब दोस्तों पिछले दिनों ही मैंने आपको अपडेट दी थी कि इस फिल्म की जो हीरोइन है वो फाइनल हो चुकी है और नजर आएंगी प्रीति जिंटा। लेकिन दोस्तों आप सब सोच रहे थे कि भैया फिल्म के हीरो सनी पाजी, फिल्म की हीरोइन प्रीति जिंटा और फिल्म में आमिर खान का भी कैमियो है, तो ऐसे में फिल्म के जो विलन है वो कौन होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर इस फिल्म के जो मेकर्स है उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि लाहौर 1947 में सनी पाजी के सामने हमें विलन देखने को मिलेंगे अभिमन्यु सिंह। जी हाँ दोस्तों, अभिमन्यु सिंह एक काफी तगड़े एक्टर है, सनी पाजी के सामने उन्हें विलन के अवतार में देखने में बहुत मजे आने वाले हैं। हालांकि दोस्तों आप सबके लिए खुशखबरी यह है कि बहुत ही जल्द सनी पाजी की फिल्म लाहौर 1947 का जो फर्स्ट लुक है वो रिलीज हो सकता है। दरअसल दोस्तों आने वाले दिनों में आमिर खान, जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर है, उनका बर्थडे है, तो आमिर खान के बर्थडे के मौके पर शायद इस फिल्म का जो फर्स्ट लुक पोस्टर है वो भी रिलीज किया जा सकता है। तो सनी पाजी की पिछली फिल्म गदर 2 तो वर्ल्ड वाइड मार्केट में ब्लॉकबस्टर रही थी। उम्मीद करते हैं कि ये वाली लाहौर 1947 भी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करे। वही दोस्तों अब अगर बात की जाए इस साल के वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के बारे में, जिस फिल्म को देखने के लिए इस वक्त हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि पहली बार इस फिल्म में बॉलीवुड के एक्शन लेजेंड अक्षय कुमार और बॉलीवुड के उभरते हुए एक्शन सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ की जोड़ी हमें पहली बार बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी। और फिल्म के डायरेक्टर भी है अली अब्बास जफर, जो इससे पहले सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी कई बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में बना चुके हैं। तो दोस्तों पिछले दिनों ही यहां पर बड़े मियां छोटे मियां का एक धमाकेदार टीजर आया था, उसके बाद इस फिल्म का एक मेकिंग वीडियो आया था। दोनों ही टीजर और वीडियो को पब्लिक की तरफ से फुल पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि फिल्म का ट्रेलर कब आएगा, फिल्म के गाने कब आएंगे। तो अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको बताया था कि फिल्म के ट्रेलर को तो टाइम है, लेकिन इस फिल्म का फर्स्ट सॉन्ग जल्द ही रिलीज हो सकता है। तो दोस्तों अब आपको बता दें कि यहां पर बड़े मियां छोटे मियां की टीम की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है कि इस फिल्म का फर्स्ट सॉन्ग कब आएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि बड़े मियां छोटे मियां का जो टाइटल सॉन्ग है वो रिलीज होने वाला है 19 फरवरी को। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 19 फरवरी यानी कि आज से दो दिनों बाद इस फिल्म का फर्स्ट सॉन्ग यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि इस सॉन्ग का म्यूजिक दिया है अनिरुद्ध ने, जो बॉलीवुड में
जवान और साउथ में थलापति विजय की मैक्सिमम फिल्मों में दमदार म्यूजिक दे चुके हैं। वहीं इस गाने को गाने वाले हैं विशाल मिश्रा, जो कि आज के समय में बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट सिंगर है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि जिस तरह बड़े मियां छोटे मियां का टीजर बवाल था, उसी तरह इसका फर्स्ट सॉन्ग भी पूरी तरह से धमाकेदार हो। उसके बाद तो फिल्म को लेकर जो हाइप है और भी डबल हो जाएगी। उसके बाद बस इस फिल्म के मेकर्स एक धमाकेदार ट्रेलर रिलीज कर दे, फिर तो कंफर्म हो जाएगा कि ये मूवी अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ दोनों के ही करियर की सबसे बड़ी मेगा ब्लॉकबस्टर बनेगी। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, बड़े मियां छोटे मियां फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ कमा सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियोस देखने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।